दूसरे वक्ता को आमंत्रित करूं। एक और सवाल उनके लिए ऐड कर देता हूं पुराने सवालों के साथ, वो ये कि अभी ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा फोकस इस बात पे कि कुछ दिखना चाहिए, पैर छूना जरूरी है, ये मन में आदर है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना? तो ये जो बीइंग का फोकस लूज हो गया और अपीयरेंस पे फोकस चला गया है, ये दिखने पे फोकस चला गया, होने से फोकस शिफ्ट हो गया, ऐसा कैसे हो गया होगा और क्या किया जाए? इस तरफ भी अगले वक्ता आदरणीय पवन जी कुछ प्रकाश डालेंगे तो अच्छा होगा, और पूरे सवाल जो रखे हैं वो तो सीरीज में ही और आप पूरी बातचीत में, तो आदरणीय पवन जी। सिद्ध की यात्रा जब शुरू ही हुई थी, चंद वर्षों के बाद ही एक ग्रामीण महिला ने, जो मेरी सबसे बड़ी गुरु रही हैं, एक साधारण ग्रामीण महिला ने हम लोगों को कहा कि आप लोग स्कूल में होना सिखाओ, दिखना दिखाना मत सिखाओ। और यहीं से हमारी यात्रा शुरू हुई, अगर एक तरह से कहें, क्योंकि उसके पहले तो मानते तो बहुत कुछ थे अपने आप को कि इंजीनियरिंग पढ़ी है और अंग्रेजी थोड़ा बहुत जानते हैं और इस तरह के कपड़े पहन लेते हैं, तो इसलिए बच्चों को, वो भी गांव के बच्चों को पढ़ाना कौन सी बड़ी बात है, ये कहते नहीं होंगे लेकिन अंदर में तो ये भाव था। और ये महिला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये और इसी तरह की और महिलाओं ने जब हमको एक तरह से झकझोरना शुरू किया, एक ये बात कही और शुरुआती दौर में एक बात कही थी कि आप हमारे बच्चों को बिगाड़ बर्बाद कर रहे, बिगाड़ भी नहीं रहे, बर्बाद कर रहे, ये स्कूल हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहा है, ना इधर का रखता है ना उधर का रखता। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, ये बातें मेरे मुंह से बहुत बार आपने सुनी होंगी, लेकिन ये इतने अंदर तक गहरे में ये असर कर गई धीरे धीरे, और इसकी सच्चाई भी मैंने देखी है, बार बार देखता हूँ, ये दिल्ली तक देखता हूँ इस बात की सच्चाई, खाली जौनपुर के तथाकथित पिछड़े गांवों की बात नहीं है, अगर दिल्ली विकसित है तो दिल्ली के बड़े स्कूलों में भी ये बात मैं देखता हूँ, और स्कूल क्यों, पूरे समाज में मैं ये बात देखता हूँ। जगमोहन ने जब ये विषय दिया, अमरीश जी ने जब ये विषय दिया, तो मैं सोचने लगा ये समाज क्या है, मुझे तो कहीं समाज दिखाई नहीं देता, समाज तो टूटा हुआ है, अलग अलग ढंगों से टूटा हुआ है, जाति के आधार पे टूटा हुआ है, धर्म के आधार पे टूटा हुआ है, गांव शहर के आधार पे टूटा हुआ है, कितने भी आप कैटेगरीज कर लीजिए, और ये तो ध्रुवीकरण का दौर है, तो ध्रुवीकरण के दौर में हर चीज को सिर्फ दो ही तरह से देखा जाता है, तो लेफ्ट है या राइट है, हमारे जैसे लोगों की तो जगह नहीं रही, क्योंकि हम न लेफ्ट है न राइट है, तो अब कहाँ जाएं? पर जब बोलते हैं तो सुनने वाले अक्सर कुछ ना कोई चश्मा लगा के देखते हैं, और वो हमको भी कहीं फिट करते हैं कि ये लेफ्ट वाले होंगे या राइट वाले होंगे। तो एक निवेदन इस सभा से ये भी है कि मेरी बात को उन चश्मों को अलग रख के सुने, क्योंकि वो चश्मों को लगा के, सॉरी, आज के दौर में मुश्किल है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि सिर्फ ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान के बीच नहीं हुआ है, पर विचारों में ध्रुवीकरण हो गया है, और वो मुझे बहुत खतरनाक चीज दिखाई देती है। ये पूरा देश और पूरा समाज, अगर समाज कहें वो शब्द, मुझे कहने में झिझक होती है, पर हम लोग एक असहज समाज हो गए हैं, गांव से लेके शहर तक हम असहज हैं, हर एक इसमें लगा हुआ है कि मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसा हूं नहीं, मैं कैसा दिखता हूं। वो जो महिला ने जो बात कही थी, वो बात अब सब जगह व्याप्त है, मैं कैसा दिखता हूं, मैं क्या कहूंगा, लोग उसका क्या अर्थ निकालेंगे, तो मुझे कौन सी पॉलिटिकली करेक्ट बात करनी चाहिए ताकि लोगों को गलत फहमी तो कम से कम नहीं हो मेरे बारे में, और मैंने अपनी एक छवि बना रखी है, और उस छवि में मैं गिरफ्त हूँ कि वो छवि ऐसी ही रहे, मुझे जो दिखाई देता है, जो मैं महसूस करता हूँ, उसकी कोई बात नहीं, मैं कहूँ वो बात जिसमें वो छवि इंटैक्ट रहे।
तो ये दिखने वाला समाज हो गया। गांव के बच्चे जब स्कूल जाते हैं, और आज तो मैं कहूंगा गांव वाले भी, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूं उस महिला की 30 साल पुरानी बात कर रहा हूं, वो अब या तो बहुत बूढ़ी हो गई है या इस दुनिया में ही नहीं होंगी। तो जो पीढ़ी उसकी जगह आज है, जो अभिभावक आज उसकी जगह है, वो तो यही चाहते हैं कि उसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। एक हम लोग एक स्कूल चलाते थे, उसका नाम था गौशाला, बहुत बढ़िया स्कूल था, मैं उसके ऊपर गर्व कर सकता हूं, ऐसा स्कूल था। एक दिन एक अभिभावक आए और उन्होंने कहा कि पवन जी, आपका स्कूल बहुत अच्छा है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप एक काम कर दीजिए, स्कूल का नाम गौशाला, उसके नीचे लिख दीजिए इंग्लिश मीडियम। तो मैंने कहा कि मैं उससे क्या फायदा होगा, मैं तो इंग्लिश मीडियम नहीं करने वाला हूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं करने को कोई नहीं बोल रहा है, आप खाली लिख दीजिए। तो ये इशारा है उस बात की ओर कि लोगों की मानसिकता गांव से लेके शहर की तक क्या हो गई है। और अब तो ऐसा है कि जो लोग चाहते हैं वही करना चाहिए, तो लोगों की जो डिमांड है वही आप करिए, आप अपना दिमाग मत लगाइए। आप कौन होते हैं, ये प्रश्न पूछने वाले मेरे बहुत सारे साथी हैं, आप कौन होते हैं? अब मैं अगर काम कर रहा हूं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं अपने को अलग रख दूं, मेरी बुद्धि को मैं अलग रख दूं, क्योंकि इस जगह पे आए हैं तो मुझे गांधी जी की याद सहज ही आती है। आप अगर इस परिसर में घुसते ही जो पेड़ है वो गांधी जी ने 1929 में लगाया था, इस जगह वो आए हुए हैं, तो ये बहुत उस लिहाज से बहुत पुण्य स्थली है। तो उस आदमी ने, और उस आदमी को थोड़ा बहुत पढ़ा गुना है, मैंने समझा है, वो आदमी को मैं मानता हूं, मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे समझ में आते हैं, मुझे बैठते हैं। तो अगर कभी संविधान की बात होती है तो मैं थोड़ा सा बचता हूं उस बात से, इसलिए बचता हूं कि गांधी एक बार नहीं कई बार कहते थे मैं तो अराजक हूं, आई एम एन अनार्किस्ट। तो उनका अनार्किज्म मुझे समझ में आता है और मुझे बैठता भी है, और आज के दौर में बहुत ज्यादा बैठता है। उस अनार्किज्म में गांधी संविधान और विधान में भेद करते थे। कानून और विधान में वो भेद करते थे। जब चंपारण में उनको पकड़ा गया और जेल में, सॉरी कोर्ट में जब पेशी हुई, तो उनसे जब कोर्ट के जज ने पूछा कि आर यू गिल्टी मिस्टर गांधी, तो गांधी जी कहते हैं यस माय लॉर्ड, एंड फिर एक पॉज देते हैं, और वो पॉज बहुत महत्वपूर्ण है, और वो पॉज के बाद बोलते हैं बट अकॉर्डिंग टू योर लॉ, आपके कानून के हिसाब से मैं गिल्टी हूं। और फिर वो सारी दलील उस कानून के कटघरे से बाहर होकर के वो देते हैं अपनी दलील, और वो दलील जो है उसकी बैठक जो है वो विधान की बैठक है, वो कॉन्शियंस की बैठक है, वो सनातन सत्य की बैठक है। तो मैं उस आदमी को, वो मुझे बैठते हैं, मैं अपने को कानून की गिरफ्त में रख के थोड़ा सा कसमसा जाता हूं, रहता तो हूं, मजबूरी है, गांधी जैसा आदमी नहीं हूं, बहुत सारी कमजोरियां हैं, रहता हूं, लेकिन कह हूं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस गिरफ्त में रहकर, तो नहीं अच्छा लगता। बहुत बार ऐसे दिख, अभी कल परसों ही जो हुआ हम सब ने देखा 2G वाले चक्कर में क्या हुआ, तो अच्छा तो नहीं लगता, वो सब कानून के दायरे में ही हो रहा है, अच्छा तो नहीं लगता। और इस तरह के सैकड़ों उदाहरण, अभी आनंद भाई यहाँ बैठे हैं वो भी बता सकते हैं, इस तरह की कई बातें हैं। ये सभा उसके लिए इतना समय भी नहीं है और वो मौका भी नहीं है कि वो सबकी चर्चा की जाए, मैं थोड़ा इशारे में सिर्फ बात कर कि संविधान और कानून की जब बात होती है हम सब उससे घिरे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमने पूर्ण रूप से आत्मसात किया हो, मैंने तो नहीं किया, मैं जानता भी नहीं संविधान,
लेकिन अगर कभी बात होती है और हमारा जो आम जनमानस है, जो लोकमानस है, उसके लिए भी संविधान कोई माने नहीं रखता, उसके लिए विधान ही माने रखता है। हम सेक्युलर वैल्यूज की बात करते हैं, पर ये सेक्युलर वैल्यूज आई कहां से मुझे पता नहीं। एक तरफ संविधान, दूसरी तरफ ये सेक्युलर वैल्यूज, मे बी सेक्युलर वैल्यूज और संविधान का कुछ ज्यादा करीबी रिश्ता हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमारी लोक मूल्य भी तो कुछ होंगे। उसी लोक मूल्य से ही उस औरत ने मुझे कहा कि होना सिखाओ, दिखना दिखाना मत सिखाओ। उस लोक मूल्य में ये भी हो सकता है कि भाई उसको मत छुओ और उसको मत करो, ये होगा कहीं कहीं। पर इसको इतना हम हाईलाइट करने की इसी यही रहा है लोक मूल्यों में, सारे लोक समाज में सिर्फ यही रहा है, तो ये थोड़ी ज्यादती हो रहा होगा वो भी, क्योंकि परफेक्ट कभी कुछ नहीं हुआ करता, गंदगी भी आती रहती है, उसको साफ करना पड़ता है। लेकिन हमारा लोक समाज आज भी अगर कहीं जिंदा है, और है, घटता जा रहा है।